एमडीएस प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ विद्यार्थियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया हल्ला बोल प्रदर्शन। गंदे नाले के पानी से किया अधिकारियों का पिंडदान व छात्रहितों की मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एमडीएस विश्वविद्यालय में समस्याओं से तंग आकर आज विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और इस हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। यही नहीं, विश्वविद्यालय के पूर्व वर्तमान विद्यार्थियों ने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए अधिकारियों का पिंडदान कर दिया। छात्र प्रतिनिधियों ने छात्रों की मांग को लेकर एमडीएस यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया और कॉलेज के बाहर गंदे नाले के पानी से पिंडदान किया। एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन ने बताया कि कॉलेज के प्रशासन अधिकारी भागीरथ सोनी और दूसरे खेल सचिव दिग्विजय सिंह चौहान, ये दोनों अधिकारी केवल एक हफ्ते के अंदर दो दिन यूनिवर्सिटी आते हैं और मुफ्त की तनख्वाह उठाकर यूनिवर्सिटी को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इसके द्वारा ना तो कोई यूनिवर्सिटी में कार्य ढंग से किया जा रहा है और ना ही छात्रों की मांगों को सुना जा रहा है। मोहित जैन का कहना है कि इनकी ढिलाई की वजह से ना तो महाविद्यालय में छात्रों के लिए सीट की बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कन्या महाविद्यालय में खेल के लिए ग्राउंड बनवाया जा रहा है। छात्र जब ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने भी छात्रों को रोकने का प्रयास किया। वहीं डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम का कहना है कि यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई, स्थायी रजिस्ट्री की हाल ही में नियुक्ति की गई है, लेकिन उनसे भी छात्रों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो हम अपना ज्ञापन किसे सौंप कर जाएं? छात्र नेताओं का कहना है कि अगर जल्द हमारी मांगों को नहीं माना गया तो विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों पर ताला लगाएंगे। यहाँ हमारी मांगों को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे कॉलेज प्रशासन ने बहुत ज्यादा सख्ती कर रखी है। हमारे कॉलेज प्रशासन में हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो ठीक से नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमसे 150 रुपए शुल्क वसूलते तो है परंतु उसके कोई लाभ नहीं देते हम लोगों को। और वैसे ही अभी सरकार गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी जिसमें जो बालिका है उनकी फीस माफ की गई थी, परंतु उसकी फीस माफ अभी नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा परीक्षा शुल्क है वो माफ किया जाए और हमारी मांगे पूरी हो। ये हमसे पैसे वसूल तो लेते हैं पर उस अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो हम प्रशासन के खिलाफ धरना देते हैं। हम सारी गर्ल्स कॉलेज राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर संभाग में एकमात्र गर्ल्स कॉलेज है, तो सभी गर्ल्स की यही डिमांड है। हमारे कॉलेज में खेल मैदान नहीं है और बाकी जाई भी डिमांड है। जो चुनाव मुद्दों आते हैं तो मैंने भी चुनावी मुद्दों में इनसे यह वादा किया था कि तुम्हारा सब काम करूंगी और ये मेरा पहला कदम है। मैं मेरी सभी बहनों को वादा किया जो सभी पूरे वादे करूंगी और आज हमारे कॉलेज प्रशासन से यह डिमांड है कि हमारी सभी मांगे पूरी करो, खेल मैदान दो हमें। जब हमारी फीस एडमिशन फीस ली जाती है तो 150 रुपए खेल मैदान खेल के लिए ले जाते हैं अलग से, लेकिन देखा कुछ नहीं। तो हमारी यह डिमांड है कि हमारी सभी मांगे पूरी करो। अजमेर विश्वविद्यालय के अंदर आज डीएवी कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, श्रमजीवी कॉलेज अजमेर, राजकीय कन्या महाविद्यालय, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर और एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पदाधिकारियों ने धरना दिया है। यहाँ पर दो कामचोर अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के अंदर जो काम करते नहीं है, 7 दिन के अंदर 2 दिन आते हैं उसके अंदर भी अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाते और फर्जी तनखा उठाते हैं और विश्वविद्यालय कोष को चूना लगाने का काम ये दोनों अधिकारी कर रहे हैं। एक का नाम वित्त नियंत्रक भागीरथ सोनी और दूसरा खेल सचिव दिग्विजय सिंह चौहान। इन दोनों की अगर ठिकाने लाने के लिए आज सारे छात्र संघ एक जजम पर आए और प्रशासन की जो दादागिरी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर चल रही है, लॉ कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही, डीएवी कॉलेज के अंदर जो सीटों का जो इजाफा है वो नहीं हो पा रहा है, गर्ल्स कॉलेज के अंदर खेल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इन सभी मांगों को लेकर एक जाजम पर आकर आज छात्र संघ ने जितने भी छात्र संघ पदाधिकारी हैं सबके नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन किया है और जो ये निकृष्ट अधिकारी हैं इनका यहाँ पर श्राद्ध करके हमने गंदे नाले के अंदर पिंडदान किया है। अगर ये लोग नहीं सुधरे हमारी राज्यपाल महोदय से मांग, अभी यहाँ से हम ज्ञापन देने जाएंगे DNDSW को राज्यपाल के नाम का, जल्दी कमेटी बनाकर इन दोनों चोरों को अगर मुक्ति नहीं दी गई यहाँ से विश्वविद्यालय से इनका मुख अलग किया जाएगा, गड्ढे में बिठा के छात्र शक्ति जुलूस निकालेगी। मीडिया के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय साहब को कहना चाहूंगा, माननीय पुलिस कप्तान साहब को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे, हम छात्र शक्ति हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी मांगे जितने भी प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, आप भी पहल करो वहाँ पर और हमारी मांगों को जल्द निपटाया जाए। अगर हमारी मांगे जल्द नहीं निपटी तो अजमेर के जितने भी कॉलेज हैं सब पे ताला लटकेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार रहेगा।